हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि IIT जेम में पूछा गया है। क्वेश्चन डिफरेंशियल जो हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है उस पर बेस्ड है कि अगर हमारा जो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है कि एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इक्वल टू ये देगा टी कॉस टी, वाई इक्वल टू देगा टी साइन टी, और यहाँ पर टी हमारा पैरामीटर है। तो हमें डी जेड ओवर डी टी निकालना है जब टी की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू हो। क्लियर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो अगर आपको चेन रूल पता हो, डी जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, टी हमारा टी के सापेक्ष में अवकलज करना है और एक्स वाई हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी जेड अपॉन डी टी क्या हो जाएगा अगर चेन रूल लगाओगे तो। सो यहाँ आ जाता है डेल जेड ओवर डेल एक्स, क्योंकि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा गुणे में डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा डेल जेड ओवर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल वाई, और यहाँ लग जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। अब ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो एक दो तीन चार चीज़ें निकालो और फिर टी के प्लस पे क्या रख दो, पाई बाई टू। ओके, सो सबसे पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालते हैं। डेल जेड ओवर डेल एक्स, देखो एक ये है जेड, एक ही पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव तो वही होता है, एंड डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि वाई स्क्वायर क्या है हमारा कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, यानी कि वाई स्क्वायर ई एक्स ई आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली। अब सिमिलरली डेल जेड ओवर डेल वाई काउंट करो, क्योंकि वाई काउंट करना है तो एक ही पावर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव तो वही होता है, एंड एक्स वाई स्क्वायर का दोबारा करोगे सो एक्स तो हो जाएगा कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई, यानी कि टू एक्स वाई एक ही पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ तो एक्स वाई आ रखा है, आपको एक्स वाई तो यहाँ पर रखना ही पड़ेगा ना। आप बोलोगे आप सर हमें तो एक्स वाई दिया, एक्स वाई तो इस फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, टी के प्लस पे क्या रख दो, पाई बाई टू। सो देखो अगर टी के प्लस पे आप पाई बाई टू रखते हो, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, और इधर क्या रखूँ, आपको पता है कॉस पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब टी के प्लस पे पाई बाई टू रखो और साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, वन इंटू पाई बाई टू क्या जाएगा, पाई बाई टू, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ज़ीरो और वाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू। ठीक है, तो ये रख देते हैं। सो देखिए अगर एक्स के प्लस पे आप ज़ीरो रखोगे और वाई के प्लस पे पाई बाई टू, सो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर रख के देखिए, वाई के प्लस पे मैंने रखा पाई बाई टू स्क्वायर, और एक ही पावर एक्स के जगह पर ज़ीरो रखो, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, और किसी की घर ज़ीरो उसका मान वन होता है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे फोर डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू। इसी प्रकार डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू निकाल लो, टू एक्स के प्लस पे रखना है हमें ज़ीरो, और दुनियादारी सामने कुछ भी हो ज़ीरो को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो डेल जेड ओवर डेल वाई हमें क्या दे रहा है, ज़ीरो, एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स हमें क्या मिला, पाई स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाल चुके हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल चुके हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना बाकी है, वो निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी पहला बड़े दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे के वैसे बड़े पहले का अवकलज, यानी कि माइनस टी साइन टी कॉस टी, और टी के प्लस पे क्या रखना, पाई बाई टू रख दो, माइनस के पाई बाई टू साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू। सो माइनस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ से कुल मिला के मुझे क्या मिला, माइनस के पाई बाई टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, टी साइन टी, सो टी पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज,
टी के प्लस में पाई बाई टू रखूँ, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, टी के प्लस में पाई बाई टू रख दिया, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन यानी कि वन। सो डी वाई अपन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, वन। चारों वैल्यूज मिल चुकी हैं, रखते हैं। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलती, देखो डेल जेड ओवर डेल जेड की डेल एक्स की वैल्यू मिलती है मुझे पाई स्क्वायर अपॉन फोर। फिर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, माइनस के पाई बाई टू। एंड डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या मिली थी मेरे को, जीरो, जीरो इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिली थी मुझे को, वन। सो यहाँ से आ गया माइनस के पाई क्यू अपॉन चार दुनी आठ प्लस जीरो यानी कि माइनस के पाई क्यू अपॉन एट, ये आंसर हो जाएगा माइनस की पाई क्यू अपॉन एट, ऑप्शन नंबर फोर इज ट्रू। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए सीखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए।